हेलो फ्रेंड्स, मैं दुर्गेश नंदनी जोशी केआरसी क्रिएशन में आपका स्वागत करते हूँ। वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक रेसिपी लेके आए हैं मैकडोनल्ड स्टाइल पफ बनाने की। चीज पफ कैसे बनाते हैं मैकडोनल्ड स्टाइल में, मैक पफ, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी रेसिपी। तो आई होप कि आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं मैक पफ। मैंने एक बाउल लिया, बाउल में मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ। ये देखिए, मैंने 2 कप मैदा लिया है। 1/2 चम्मच में इसमें नमक डाल रही हूँ और 2 चम्मच में ऑयल डाल, 2 बड़े चम्मच मैंने ऑयल डाला। आप 1.5 से 2 कुछ भी डाल सकते हैं। अगर थोड़ा कम ऑयल डालेंगे तो थोड़े से क्रिस्पी बनेंगे, और ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो थोड़ा क्रंची से बनेंगे। सबको अच्छे से मिला लेते हैं। पानी डाल के इसका एक डो रेडी कर लेते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा ही डालना है। जैसे हम लोग पूरी का डो रेडी करते हैं उस तरीके से डो रेडी करना है। रोटी से थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। ये देखिए हमारा डो रेडी हो गया है। इस तरीके से आप डो बना लेंगे। अब हम इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख देते हैं डो को। इसको हम ढक के रख देते हैं 10 मिनट के लिए, और इन द मीन टाइम हम इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे 2 चम्मच। इसमें मैं 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालते हैं। चाहे तो आप अलग से भी काट के डाल सकते हैं, पर मैंने पेस्ट बनाया हुआ था, मैं पेस्ट ही डाल रही हूँ। इसमें मैं ये बारीक कटा हुआ प्याज डाल दूँ। इसको हमने ज्यादा अच्छे से नहीं भूनना, इतना भूनना है कि ये सॉफ्टी सा हो जाए, हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए। अब इसमें ये मैंने कुछ सब्जियां ली हैं, ये मैंने फली ली है थोड़ी सी, ये मैंने कॉर्न लिए थोड़े से, ये मैंने थोड़े से मटर लिए हैं, ये थोड़ी सी गाजर कटी हुई ली है, ये मैंने शिमला मिर्च कटी हुई है। तो ये सब सब्जियां डालेंगे इसमें। सबसे पहले मैंने प्याज को और फिर बीन्स को अच्छे से कर लिया फ्राई। अब हम सभी सब्जियां डाल देते हैं। ये मैं गाजर डाल रही हूँ, कॉर्न डाल रही हूँ, थोड़ी से मटर डाल रहे हैं। ये 2 बड़े बड़े चम्मच के करीब हमने लिया सभी सब्जियां, ये सब सब्जियां डाल देंगे। कितना कलरफुल सा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में भी, और खाने में तो टेस्टी होता है और हेल्दी भी है, क्योंकि इतनी सारी सब्जियां डल रही हैं।
और बच्चों का फेवरेट है ये। अब इसमें आधा चम्मच के करीब नमक डालते हैं, स्वादानुसार आप नमक डाल सकते हैं। इसी तरह से 1/4 टीस्पून मिर्च डालते हैं, लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं या चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है। सब्जियों को इतना फ्राई करना आपने कि आधी गल जाएंगे, पूरी तरह से ना गले, क्योंकि इसका क्रंची सा टेस्ट अच्छा लगता है। अब हम इसमें पिज्जा सॉस डाल रहे हैं 1 चम्मच। ये मैंने पिज्जा सॉस लिया है युवा की, ये अच्छी सॉस है, ये ले सकते हैं आप। इसी तरह से मैंने टमाटो केचप ले रही हूँ 1 चम्मच, वो आप डाल देंगे इसमें। और मैंने 1 चम्मच चिली सॉस लिया। थोड़ा सा हर्ब डाल देंगे, ओरिगेनो वगैरह, मिक्स हर्ब्स आती है वो डाल दीजिए, नहीं तो सिर्फ ओरिगेनो है तो वो डाल दीजिए। अब ये थोड़ा अच्छे से हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल दूंगा। 2 बड़े चम्मच के करीब मैंने हल्का सा पानी डाल दिया है, जिससे कि अच्छे से बन जाएंगे। दो 3 मिनट अब इसी तरह से पकाते रहेंगे। देखिए इसका पानी सूख चुका है जो मैंने डाला था, ये हल्की हल्की सी गीली है, तो इसी तरीके से बस रखना है। अब गैस को बंद कर देंगे। अब इसको ठंडा होने देंगे। ये देखिए हमारी स्टफिंग जो है ठंडी हो चुकी है। अब मैंने थोड़ा सा चीज लिया है वो इसमें डाल देंगे। 2 बड़े चम्मच मैंने चीज ली है, ग्रेटेड चीज ली है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गए, इसको रखते हैं साइड में और हम अपना अब मैक पफ तैयार करना शुरू करते हैं। ये आटा भी रेडी हो चुका है, चाहे तो आप पूरे आटे का एक बारी में बना के कट कर लें, नहीं तो थोड़ा थोड़ा आटा लेके भी आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा आटा ही ले रही हूँ। ये देखिए इसको हम लोग बेल लेंगे।
इसको स्क्वायर बेलेंगे। थोड़ा कोशिश करें कि स्क्वायर ही बेलें। ज्यादा मोटा भी नहीं बेलेंगे और ज्यादा पतला भी नहीं बेलेंगे। ज्यादा पतला होगा तो हमारा मैक पफ फट जाएगा और मोटा होगा तो टेस्टी नहीं लगेगा। इस तरीके से हम लोग इसको बना लेते हैं। अब हम इसको नाइफ की सहायता से या पिज्जा कटर की हेल्प से इसको इस तरीके से पीस कर लेते हैं। साइडों से हटा देंगे। अब इसको हम मिडल में से दो पीस, ये दो इक्वल पीस ऐसे चाहिए हमें। अब जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो एक बड़ा चम्मच लेके इसमें फिल कर देंगे। चारों तरफ थोड़ा सा पानी लगा देंगे। इसको थोड़ा सा और फैला देंगे और दूसरे वाले को इसके ऊपर रख देंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये पूरा बराबर आना चाहिए। इस तरीके से आ गया। अब हम क्या करेंगे, दबा देंगे थोड़ा सा और फोक की हेल्प से इसको इस तरीके से प्रेस कर देंगे। जिससे ये अच्छे से लॉक हो जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। थोड़ा सा साइड से अच्छा सा नहीं लग रहा, बड़ा हो रहा है, तो इसको हम कट भी कर सकते हैं। नीटली हम बना सकते हैं इसको। और ये जो साइड से निकलेगा हमारा आटा उसको भी हम दोबारा से बना के बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा एक मैक पफ तैयार हो गया। ये देखिए इस तरीके से हम सारे मैक पफ तैयार कर लेंगे। ये देखिए सारे मैक पफ हमारे रेडी हो चुके हैं। हम इनको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ढक के और फिर इसको जब खाना होगा तब तल लेंगे। देखिए हम मैक पफ को डीप फ्राई करेंगे। ये मैंने घी गरम करने के लिए रख दिया है। हम इसको मीडियम आंच पे ही करेंगे, ज़्यादा तेज गरम आंच में नहीं करना। मैंने ये थोड़ा सा आटा डाल के देखा है। ये देखिए अब तलना शुरू हो गया, तो हम डालना शुरू कर देंगे। इसको मीडियम आंच पे ही तलेंगे। ये देखिए ये इस तरीके से तल गए हैं। अब आप इस तरीके से निकाल लीजिए और इसी तरह से सारे तल लीजिए आप, ब्राउन होने तक ये तल लीजिए।
इसी तरह से और भी डाल लेते हैं, वो भी तल लेते हैं। ये देखिए हमारे मैक पॉप बन के रेडी है, खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए और मेरा वीडियो देखते रहिए। ये भी गर्म है, ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। इसी तरीके से बहुत टेस्टी और यम्मी।